हर ताली का तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराते हुए इस व्रत के महत्व की कथा कही। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगी से शरीर को तपाया। सावन की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय व्यतीत किया था। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा ही क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तभी तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। बस इसी संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर जब इस विवाह की बात तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तभी तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, मैं अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। किंतु तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समझ तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। आओ, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, अर्थात वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े ही दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। इधर मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो मेरा बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था, उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन ढोलने लगा और फिर मेरी समाधि टूट गई।
मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पूछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से ही करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तिथिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, इसका महत्व यही है कि मैं इस व्रत को करने वालियों को मनवांछित फल देता हूँ। उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए, तो उसका सुहाग अमर रहता है। तो हे गौरी मैया, जैसे आपका सुहाग अमर है, वैसे ही हर सुहागन का सुहाग अमर रहे। बोलो हर तालिका तीज की जय।